Actress Kameh Panjabi on Saturday claimed that she did receive a legal notice from a lawyer but doesn't contain any stamp and urges people to go and watch the film. She said, एक मिनट, ये लॉयर के लेटर हेड पे एक लेटर है कि आप इस शॉर्ट फिल्म को नहीं रिलीज करें, अगर आपने किया तो हम आप पे एक्शन लेंगे, इस पे किसी जज का कोई स्टैंप नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है और हम मिस्टर राहुल राज सिंह को इसमें डिफेम कर रहे हैं, प्लीज वॉच द ब्लडी फिल्म. She questioned Rahul Raj Singh, who is allegedly responsible for actress Pratyusha Banerjee's death, for not giving her personal diary to the police. She said, वो डायरी एक साल हो गया, उन्होंने आज तक पुलिस को दी क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने अपने 25 इंटरव्यू में ये बोला है कि प्रत्युषा अपनी एक पर्सनल डायरी लिखती थी जो मेरे पास है, उसमें उसके मिनट मिनट की फिकर खबर है, उन्होंने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? और क्या, और उस डायरी में, और उस डायरी में फिर ये भी लिखा होगा कि वो मरना चाहती है या वो दुखी थी. The story of the 18-minute short film revolves around the depression and ego that drives a young girl to commit suicide. While the late Pratyusha acted the female lead, the name of the male protagonist is Rahul. Singh filed a defamation case against Punjabi, assuming the character was a depiction of his personality. Giving a clarification to that, Kamya said, "Ek akela hai Rahul is puri duniya mein. एक अकेला है इस हिसाब से तो राहुल गांधी को भी आके ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, राहुल राय को भी लेना चाहिए, हाँ राहुल रॉय को भी लेना चाहिए, हाँ सबको, जितने भी राहुल है सबको. और कल को किसी की फिल्म में या किसी के शो में काम्या नाम होगा तो मैं भी नाचने लग जाऊंगी. आईएनएस रिपोर्ट.